शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसका मतलब गौरव पर वशीकरण उर्वशी करवा रही है, इसीलिए गौरव हमारे साथ ऐसा बर्ताव कर रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, ये आत्मा चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, हम गौरव पर हो रहे वशीकरण को तोड़ कर रहेंगे। व्यवस्था तो इस उर्वशी ने भी कर रखी होगी, वो आज रात जरूर कुछ बड़ा करेगी। वो ऐसा चक्रव्यूह बनाएगी जिससे गौरव कभी बाहर ना निकल सके। प्रसाद, प्रसाद खाने के बाद भी गौरव का वशीकरण नहीं टूटा, क्यों? जब प्रसाद चढ़ाने के पैसे ना बचे तो दूसरों से ही लेना पड़ता है। दिवालिया हो गया है चौधरी परिवार, ना पैसे बचे हैं और ना इज्जत। अब तुम, महेंद्र अंकल और तुम्हारा पूरा परिवार सिर्फ और सिर्फ मेरे इस घर में नहीं रहोगे, बल्कि मेरे फेंके हुए टुकड़ों पर भी पलोगे। बस, अगर एक शब्द भी और कहा ना तो हम तो क्या कर लोगे? बने तो इस घर के जमाई हो और अकड़ तो देखो, झुकना सीखो मिस्टर गौरव, क्योंकि जो झुकता नहीं है ना वो टूट जाता। ना हम टूटेंगे और ना हम झुकेंगे। बड़े साहब के बहुत एहसान है हमारे ऊपर, इसलिए उनके खिलाफ एक शब्द भी और मत कहना। अगर इतना बुरा लगता है तो उनकी फैमिली के लिए कुछ करते क्यों नहीं? पूरा का पूरा परिवार बिखरा पड़ा है, उन्हें फिर से खड़ा करो, फाइनेंशियल पोजीशन सुधार लो, और हाँ, ये जमाई से बेटा बनकर दिखाओ। और जब ये सब हो जाए तब मुझसे आंख से आंख मिलाकर बात करना, लेकिन तब तक ये सर झुका कर रखना। हम सब करेंगे, इस परिवार का मुकाम भी लौटाएंगे, बड़े साहब के एहसान भी चुकाएंगे, और तब जाकर तुमसे बात करेंगे। और वो भी सर उठाकर। बेटा, इन्हें किसी बड़े डॉक्टर को दिखा देते हैं। बड़े डॉक्टर को कैसे दिखाएंगे माँ, बचा क्या है हमारे पास? आत्मसम्मान। हम लेकर जाएंगे बड़े साहब को बड़े डॉक्टर के पास, इनका इलाज हम करवाएंगे। हम वादा करते हैं आपसे, आपकी इज्जत, आपका सम्मान, आपकी जमीन जायदाद दौलत सब हम वापस लेकर आएंगे। अब इस परिवार को हम संभालेंगे। सोच तो तुम्हारी बहुत अच्छी है गौरव, इसमें मैं तुम्हारा साथ दूंगी। मैं सोच रही हूँ कि अपना फैशन हाउस तुम्हारे नाम कर दूँ, तुम उसे फिर से रीबिल्ड करो, ओके? सब करेंगे, इस परिवार का नाम, आपका फैशन ब्रांड सब नंबर वन बनाएंगे। गौरव को उसकी खुद की नजरों में उठाने के लिए हमें उसकी नजरों में 100 बार भी क्यों ना गिरना पड़े, फिर भी हमें ये सब मंजूर है। और इस प्लान से हम गौरव को उर्वशी से दूर रख पाएंगे। अच्छा दुबे जी, हमें लोन चाहिए था कुछ। हाँ, लोन थोड़ा अर्जेंट है, काम शुरू करना है। गिरवी रखने के लिए तो कुछ नहीं है हमारे पास। अच्छा सुनिए, बिना गिरवी रखे लोन नहीं मिल सकता है क्या? बिल्कुल मिल सकता है। हमें लोन बड़े साहब के एहसान चुकाने के लिए चाहिए, तुम्हारा एहसान लेने के लिए नहीं। हम मैनेज कर लेंगे। मैं एहसान नहीं करती, सिर्फ इन्वेस्ट करती हूँ, जहाँ फायदा वहाँ इन्वेस्ट। अब तुम कहोगे कि मैं ही क्यों,
देखो अब इन्वेस्ट तो मैं कहीं भी कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हारी आंखों में मैंने एक जिद देखी है। जब तुम किसी चीज को पाने की ठान लेते हो तो पाकर रहते हो। पूरा भरोसा है हमें तुम्हारी काबिलियत पर। लेकिन हमें तुम पर नहीं है। अपने घर में रखकर इतना सुनाती हो तो लोन दोगी तो पांव के तले दबा लोगी। हमें काबिलियत है, हम लोन खुद जुटा लेंगे। मैनेजर, हमें एक फाइनेंस कंपनी खोलनी है। नाम होगा एंजल इन्वेस्टर्स। जैसे ही पेपर वर्क हो जाते हैं उसमें 5 करोड़ ट्रांसफर कर देना। पर एक बात का ध्यान रहे, मैं इस कंपनी की ओनर हूँ, ये बात का पता किसी को नहीं चलना चाहिए। थैंक यू। गौरव, तुम हमसे मदद लो या ना लो, लेकिन तुम्हारी मदद करना हमारा धर्म है। पत्नी है हम तुम्हारी, और एक पत्नी ही अपने पति का साथ निभाती है। दुर्गा माँ, हमने वो सब किया और गौरव अभी तक उर्वशी से दूर ही है। लेकिन अब आप हमें कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि हम आज की रात गौरव को पूरी तरह से उर्वशी से दूर रख सके। दुर्गा माँ, ऐसा कोई तो उपाय होगा ना जिससे कि ये वशीकरण को हम खत्म कर सके, हम तोड़ सके इसे। उपाय है, ये महादेव की जटाओं से निकली गंगा का जल है जिससे तुम्हें उस कुंड की आग बुझानी है, जिस कुंड में उर्वशी आज रात वशीकरण की आहुति देगी। आज छठ पूजा है, आज किसी भी सुहागन के आगे कोई भी शक्ति नहीं टिक सकती। उसकी पूजा के आगे सब काली शक्तियां विफल है। आज के दिन तुम भगवान को भी पुकारोगी तो उन्हें भी तुम्हारे सुहाग की रक्षा के लिए प्रकट होना पड़ेगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बाईं ओर से शुरू करना होगा। इस विधि के बाद गौरव खुद मुझे अपनी बाहों में लेगा और उसके बाद हम दोनों को कभी कोई अलग नहीं कर पाएगा। काले फूल, काले फूल, ये रोनी और श्रेया भी ना इतनी सादा लग रहा है। रोनी, श्रेया, उर्वशी, वशीकरण के लिए जैसे ही तुम इस कुंड में आग लगाओगी, ऊपर लगे गुब्बारे से गंगाजल इसमें गिरेगा और तुरंत ही आग बुझ जाएगी। आज देखेंगे कि छठ पूजा में कौन जीतेगा, उर्वशी की काली शक्ति या एक सुहागन की भक्ति। पता नहीं कहां रह गए दोनों, फोन भी नहीं उठा रहे हैं, इडियट्स। कहीं मुहूर्त का टाइम ना खत्म हो जाए।
मेरा उस रूम में बाहर रहना बहुत जरूरी है। अगर उर्वशी ने कुछ गड़बड़ कर दी तो मैं संभाल लूं, लेकिन वहां कैसे? एक बात मुझे समझ नहीं आ रही है, आखिर इतने सारे काले फूलों का उर्वशी ने थे करने क्या वाली? वो सब हमें नहीं पता, लेकिन हमें इतना जरूर पता है कि अगर हमने समय पे ये फूल नहीं पहुंचाए ना तो वो सारा घर सर पर उठा लेंगे। थैंक यू हमें आइडिया देने के लिए। चलो कुछ नहीं है, आ जाओ। वो फ्लावर वाज गिरा था बस, आप फालतू में डर रहे हो। चलो चलो चलो, कुछ नहीं है, चलो। ये घर ना पूरा पोतिया घर बनते जा रहा है, अजीब वो करीब हरकतें हो रही है यहाँ पर। अब देखो ना ये वास किसने तोड़ा होगा। नहीं छोड़ो ना वो सब, आ जाओ। भाभी अचानक से ये कुछ ज्यादा ही भारी लग रहा है। क्या भारी हो गया? भारी हो गया है क्या इसमें? उर्वशी दीदी का फोन है। अरे इन सब बातों को हम गोली मारो, अगर लेट हुए ना तो उर्वशी दीदी हमें गोली मार दे। तो करो। हाँ दीदी, अरे बस हॉल में पहुंच गए, बस आ रहे हैं। हाँ आ रहे। कहाँ रह गए थे तुम दोनों? अरे दीदी वो मार्केट में बहुत भीड़ थी इसलिए थोड़ा सा। हाँ ठीक है, अब ये सब यहीं छोड़ दो और तुम दोनों जाओ यहाँ से। कालिफ जाओ। जाए लीव। राख का तिलक पहनकर ही विधियां शुरू कर सकते।
ये गुब्बारा फूट क्यों नहीं रहा है? हे महादेव, हमारे गौरव की रक्षा करना। हमें राह दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया महादेव। अब इसकी मदद से हम ये गुब्बारा फोड़ देंगे और फुग्गे में रखा गंगा जल उस हवा में जा गिरेगा जिससे यह आग बुझ जाएगी। गौरव पर किया गया तुम्हारा वशीकरण तो तोड़ दिया हमने उर्वशी, लेकिन अब बस इस बंद दरवाजे के पीछे जो आत्मा है उसे मुक्त करना बाकी है। जब सब कुछ नहीं चल रहा था फिर अचानक से ये कैसे हुआ? वशीकरण टूटा तो टूटा कैसे? सच कह रहा हूँ मामी, उन्हीं मुंह आगे आगे भाग रहा था और गाय जी आंटी उनके पीछे पीछे भाग रही थी। फिर वो लोग शोरूम के पीछे मुड़ गए थे और मैं खेलने चला गया था। कुछ भी बात करो, ये वो कैसे अपने आप आगे बढ़ सकता है? अच्छा ठीक है, तुम जाओ खेलने जाओ। नींबू, कहीं गायत्री भी तंत्र, कहीं उसे शक तो नहीं हो गया कि मैं इस घर में तंत्र मंत्र करती हूँ? नहीं नहीं, अगर ऐसा हुआ होता तो अभी तक तो वो बंद दरवाजे का ताला तोड़ देती। उर्वशी, उसे रोकना होगा किसी भी हालत में। मैंने कहा था ना, एक बार रिपेयर हो जाए उसके बाद दरवाजा खोल लेना। हाउ डे यू, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरा हाथ झटकने की? वो थप्पड़ याद नहीं है तुम्हें? भूल गए इतना जल्दी कि इस घर की मालकिन मैं हूं, तो रिपेयर भी मैं ही कराऊंगी। कहा क्या करना कब करना वो सब की जिम्मेदारी अब मेरी, तो तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे चिंता क्योंकि तुम्हें इस कमरे में जाने की बहुत ज्यादा बेचैनी है, और हो सकता है कि इस कमरे के अंदर जाने के लिए तुमने कोई तंत्र मंत्र किया हो गायत्री। मुझे तो लगता है उर्वशी कि तंत्र मंत्र का इस्तेमाल तुम कर रही हो, इसलिए बार बार इस कमरे के दरवाजे के बाहर चौकीदार की तरह आकर खड़ी हो जाती। तुम अपनी लिमिट में रहो और तुम अपनी औकात में रहो। इस
कमरे में मुझे अपना ऑफिस बनाना है, तो इसे रिपेयर और रिनोवेट कैसे करना है, क्या करना है, वो सब मैं ही देखूंगी। सो यू बेटर, ठीक है ये सब कर लेना, लेकिन कल के बाद। आज क्यों नहीं? वो इसलिए गायत्री, क्योंकि मैंने कहा था कि कमरे की हालत खराब है और इस कमरे में मेरा कुछ पर्सनल सामान है, तो वो मैं निकाल लूंगी, उसके बाद ये कमरे में जा सकती हूँ। पर्सनल? या पर्सनल, पर्सनल सामान या कोई राज, इस बंद दरवाजे के पीछे का राज तो मैं पता लगा कर ही रहूंगी। आज उषा अर्घ के दिन जब तुम अपने चार दिनों का व्रत तोड़ोगी तो सारी पवित्र शक्तियाँ तुम्हारा साथ देंगी, पर काली शक्तियों से लड़ना तो तुम्हें ही है, तो अड़िग रहना। हम अपने गौरव की जान बचाने के लिए अग्नि दाह दे सकते, तो अग्नि परीक्षा क्यों नहीं दे सकते? हम करेंगे, तैयार है। इस अधूरे प्यार की पूरी कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।